हेलो स्टूडेंट्स इन लास्ट क्लास वी हैव स्टार्टेड आवर न्यू चैप्टर दैट इज़ हाइड्रोकार्बन एंड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट वॉट इज़ हाइड्रोकार्बन लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपने नए चैप्टर को स्टार्ट किया था हाइड्रोकार्बन चैप्टर जिसमें हम लोगों ने यह स्टडी किया कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है कि कोई भी ऐसा कंपाउंड द कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन कोई भी कंपाउंड जो कि बना हुआ होता है कार्बन से और हाइड्रोजन एलिमेंट से उनको हाइड्रोकार्बन बोला जाता है एंड हाइड्रोकार्बन इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट ओपन चेन हाइड्रोकार्बन एंड क्लोथ चेन हाइड्रोकार्बन कार्बन अब है कि ओपन चेन हाइड्रोकार्बन जो है वो क्या होता है तो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन इज आल्सो कॉल्ड एज ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जैसा कि आप लोगों को पता ही है ए साइक्लिक मीन्स क्या होता है जिसमें कि साइक्लिक रिंग ना हो इस तरह का रिंग प्रेजेंट ना हो तो इस तरह इस तरह का अगर रिंग प्रेजेंट नहीं है किसी कंपाउंड में जस्ट लाइक like कि अगर वो सी एस थ्री सी एस टू सी एस थ्री इस तरह के कंपाउंड है तो ये क्या हो गया एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन तो ये एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन होता है दे कंटेन ओपेंशियन ऑफ कार्बन आइटम इन देअर मॉलिक्यूल्स अब इसमें आपके तीन पार्ट आते हैं इन्हीं को ओपेंशियन हाइड्रोकार्बन्स को ही आपका एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन भी बोला जाता है जिसके थ्री पार्ट्स में हम लोग उस पढ़ते हैं उनमें एल्कीस के बारे में एल्किस के बारे में एल्काइंस के बारे में लास्ट क्लास में मैंने इन तीनों के बारे में आपको बताया था तो आज हम लोग जो है वो एल्किन्स जो है वो स्टार्ट करें जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था एल्किन्स आर सैचूरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्किन्स जो होते हैं वो सैचूरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं ये तो मैंने लास्ट क्लास में भी आप लोगों को बताया था और मैंने बताया था कि एल्किन्स जो होते हैं वो सैचूरेटेड तो होते ही हैं और उनमें क्या होता है कि सिंगल बॉन्ड्स होते हैं मीन्स दे कंटेन ओनली कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड मीन्स कि उसमें जो है वो क्या होगा कार्बन और कार्बन के बीच में जो है वो सिंगल बॉन्ड होगा या अगर ये हम करते हैं इस साइड से एच एच अटैच करते हैं तो ये भी सिंगल होगा यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में इनके बीच में जो है बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन इट कंटेन ए सिंगल बॉन्ड एंड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन इट ऑल्सो कंटेन ए सिंगल बॉन्ड ये सिंगल बॉन्ड ही कंटेन करेगा ठीक है तो इतना तो हम लोग जानते ही हैं और है कि एल्केन्स जो होते हैं वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं बिकॉज ऑफ देयर लो रिएक्टिविटी किसके कारण अपने लो रिएक्टिविटी के कारण दे आर ऑल्सो कॉल्ड एस पैराफिन्स इनको पैराफेंस भी बोला जाता है द ओपन चेन एल्केन्स हैव जनरल फार्मूला सी एन एच टू एन प्लस टू इनका एल्केन्स का जो जनरल फार्मूला जो होता है वो क्या होता है सी एन एच टू एन प्लस टू ठीक है तो ये तो हम लोगों ने एल्केन्स के बारे में स्टडी कर लिया देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नाम क्लेचर ऑफ एल्केन्स हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है नॉमिनक्लेचर यानी कि हम लोगों को नॉमिन क्लेचर के बारे में स्टडी करना है इसमें मैंने कुछ फार्मूला लिए हैं और उन फार्मूला का हम लोग कॉमन नेम लिखेंगे और उनका आईपीएससी नेम लिखेंगे नॉमिन क्लेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन नॉमिन क्लेचर जो है इससे रिलेटेड आपके बहुत से क्वेश्चन आते हैं जिसमें कॉमन नेम से ज़्यादा आपका आई नेम आता है इनको आपको अच्छी तरह से स्टडी करना है तो इसी से रिलेटेड चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं मैं इसमें बता देती हूँ कैसे होता है नंबरिंग और कैसे हम लोग नॉमिनक्लेचर करते हैं ठीक है नॉमिनक्लेचर में तो सबसे फर्स्ट ये होता है कि हम लोग इसमें यूज जो चीज़ करते हैं वो है कि फर्स्ट की नॉमिनक्लेचर के कॉमन नेम्स में वैन वी हैव टू राइट द कॉमन नेम्स ऑफ सम कंपाउंड देन वी should यूज नॉर्मल वी should यूज़ नॉर्मल आइसो सेक dot एंड न्यू जब भी हम लोग किसी भी कंपाउंड का अगर नेमिंग करते हैं कॉमन नेम लिखते हैं तो हम लोगों को इन सब का यूज़ करना चाहिए ठीक है और करना चाहिए क्या करना ही है ये सब जो है ये रूल्स हैं कि कॉमन नेम्स जब भी हम लिखेंगे तो हम लोगों को वी हैव टू यूज़ दिस थिंग्स हम लोगों को ये चीज़ को यूज़ करना ही है नॉर्मल को आई सो सेट टर्ट एंड न्यू बट इन आई सिस्टम जब हम लोग आई सिस्टम से नेमिंग करते हैं तो वी हैव टू यूज़ न्यूमरल्स न्यूमरल्स मीन्स उसमें हम लोग वन टू थ्री इस तरह से यूज़ करते हैं और फिर हम लोग नेमिंग करते हैं तो सबसे फर्स्ट देखिए ये क्या है ये एक फर्स्ट कंपाउंड है फर्स्ट कंपाउंड इज सी एस थ्री सी एस टू सी एस टू सी एस थ्री ठीक है तो इसमें क्या है सी एस थ्री सी एच टू सी एस टू सी एस थ्री में इसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं आपके काउंट कर लीजिए वन टू थ्री एंड फोर फोर कार्बन आइटम है तो इट्स कॉमन नेम इज नॉर्मल ब्यूटेन बट इट्स आई पी एस सी नेम इज इट्स आई पी एस सी नेम इज सिंपल ब्यूटेन ठीक है इसमें हम लोग क्या लिखेंगे सिंपल ब्यूटेन अब जो है वो इस तरह का कंपाउंड है सी एस थ्री सी एस थ्री सी एच सी एस थ्री तो इस तरह के कंपाउंड में जब हम लोग लिखते हैं तो इनका नेम होता है आइसो आइसो ब्यूटेन ठीक है और जब हम लोग इसका आईपीएससी नेम लिखेंगे तो आईपीएससी नेम में नंबरिंग जो होगा वो होगा वन टू एंड थ्री मीन्स टू मिथाइल टू मिथाइल कितने कार्बन आइटम है थ्री तो इट इज प्रोपेन टू मिथाइल प्रोपेन थर्ड कंपाउंड हम लोग करते हैं थर्ड कंपाउंड में है आपका सी एस थ्री सी एस टू सी एस टू सी एस टू सी एस थ्री वन टू थ्री फोर फाइव यानी कि इसका नेम हो जाएगा नॉर्मल पेंटेन ठीक है इट्स आईपीएससी नेम इज

और इसका आई नेम क्या होगा टू मिथाइल यानी वन टू थ्री फोर टू मिथाइल टू मिथाइल एंड ब्यूटेन ठीक है अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट कंपाउंड में नेक्स्ट कंपाउंड इज सी एस थ्री सी सी एस थ्री सी एस थ्री सी एस थ्री तो ये कंपाउंड कैसा है इसमें थ्री कार्बन आइटम्स आर अटैच टू देंट्रल कार्बन आइटम ये सेंट्रल कार्बन आइटम से आपके थ्री कार्बन आइटम इधर से और वन कार्बन आइटम इधर से यानी कि फोर कार्बन आइटम जो हैं वो अटैच है तो इट्स नेम नियो टोटल कितने कार्बन आइटम है फाइव तो इट्स नेम इज न्यो पेंटेन अब इसका आईपीएससी नेम क्या होगा इट्स आईपीएससी नेम इज वन टू थ्री टू सी एस टू ये इस कार्बन आइटम से यहां भी सी एस थ्री अटैच है इस साइड भी सी एस थ्री अटैच है तो इट्स नेम इज इिथाइ प्रोपेन टू टू डाई मिथाइ प्रोपेन ठीक है नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ एल्केन एल्केचर तो हम लोगों ने स्टडी कर लिया देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिपरेशन ऑफ एल्किन ठीक है प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में हम लोग को स्टडी करना है वो है आपका किससे आपको प्रिपेयर करना है फ्रॉम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स क्या अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स मैंने बताया था उसमें आपके एल्किन्स और एल्काइंस आते हैं तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैन बी कन्वर्टेड इन टू एल्किन्स बाई कैटेलेटिक हाइड्रोजनेशन यानी कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो एल्किन्स में कन्वर्ट हो जाता है जब हम लोग उसमें कैटेलिटिक हाइड्रोकार्बन यूज करते हैं कैटेलिटिक हाइड्रोकार्बन मीन्स वी हैव टू यूज द कैटलिस्ट जस्ट लाइक निकेल प्लैटिनम एंड पैलेडियम और इस तरह के रिएक्शन को हम लोग करते हैं ठीक है तो सबसे फर्स्ट हम लोग इसमें वी यूज इथिन हम लोग इसमें क्या यूज करते हैं ये इथिन हाइड्रोजेनेशन एच टू इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल एट फाइव ट्वेंटी थ्री से फाइव सेवेंटी थ्री कैलवीन देन इन कन्वर्ट इन टू इथेन ठीक है फ्रॉम अब है इसमें जैसे एक एल्किन से हो गया एक हम लोग एल्काइन से भी कर सकते हैं ठीक है इसमें देखिए हम लोगों ने अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स एथीन लिया और इसमें हम लोगों ने इट इज़ इथाइन और उसका हम लोग निकेल के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं एट 523 से 573 केल्विन में देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू टू इथेन तो ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है इथेन में ठीक है तो ये हम लोगों ने आज एल्केन्स का एल्केन्स के बारे में स्टडी किया उसके नोमप्रेचर के बारे में स्टडी कर लिया प्रिपरेशन स्टडी कर लिया इन नेक्स्ट क्लास We will discuss about the next compound that is alkenes.